मैं हूं ललित और स्वागत है आपका आपके चैनल बैक टू आयुर्वेदा में। और आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं अगस्त के इस पेड़ के बारे में। अगस्त का पेड़ बहुत ही लाभदायक है, बहुत सारी बीमारियों में ये यूज़ होता है, तो मैं इसकी सारी आज उपयोगिता मैं इसे बताऊंगा कि कैसे किस किस बीमारी में इसे उपयोग करेंगे। तो आप बिल्कुल भी मेरे वीडियो को इसे स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को। और हिंदी में इसे अगस्तिया या अगस्त कहा जाता है और ग्रामीण भाषा में इसे रवासन भी बोलते हैं इस पौधे को, तमिल भाषा में इसे अगस्ती, पंजाबी में हथिया, मराठी भाषा में इसे अगसे गिड़ा और गुजराती भाषा में अस्थियो कहा जाता है और संस्कृत में इसे अस्तिय या मुनीत दुम कहा जाता है। इस पेड़ यह बच्चों के अफारा, जैसे बच्चों में अफारा हो जाता है या कोष्ठ बधता है या उनका खाना नहीं पचता है या उनका मोशन पास नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो अगस्त का पेड़ है ये बहुत ही उपयोगी है। अगस्त के फूल, इस समय तो इसमें फलियां लगी हुई हैं लेकिन इस पे फूल आते हैं तीन कलर के, जैसे सफ़ेद फूल होते हैं, पीले होते हैं और हल्के लाल भी कलर के फूल होते हैं। उन फूलों को पीसकर उनका रस निकालना है और एक से दो चम्मच रस बच्चों को पिला देना है। ऐसा करने से बच्चों का जो अफारा है वो टूट जाएगा, कोष्ठबद्धता उनके अगर मोशन पास नहीं हो रहे हैं, लैट्रिन नहीं आ रही है, वो भी आ जाएगी और खाना भी उनका अच्छे से पचेगा। ये शारीरिक क्षीणता, धातु दुर्बलता, शक्ति का ह्रास हो रहा हो, मन की दुर्बलता या एकाग्रता में कमी हो, ऐसे में भी बहुत अधिक लाभदायक है। यानी कि पुरुषों के शौपन दोष, परमेह रोगों में ये बहुत अधिक लाभदायक पेड़ है। अगस्त के फूलों का गुलकंद बनाकर, यानी कि जो फूल हैं जैसे गुलाब का गुलकंद बनाते हैं, ऐसे ही इसके फूलों का गुलकंद, जो मैंने बताया अभी फूल है नहीं इन पर फूल आते हैं, उसका गुलकंद बनाकर अगर सेवन करते हैं तो बिल्कुल आपको आराम मिलता है इन सभी बीमारियों में। और एक इसका उपाय और है, अगस्त के सूखे फूल, जो फूल हैं इसके, उसके सूखे फूलों को बराबर मिश्री मिलाकर, यानी कि सूखे फूलों में इसके बराबर मिश्री मिलाएं और एक चम्मच दूध से सुबह शाम अगर सेवन करते हैं तो शारीरिक क्षीणता, धातु दुर्बलता, शक्ति का ह्रास हो, मन की दुर्बलता हो, इसमें ये बिल्कुल आपको उपयोगी है, बहुत अधिक लाभ आपको देता है, ये बहुत अधिक लाभदायक है ये पेड़। और श्वेत परदर, यानी कि महिलाओं में होने वाला जो श्वेत परदर है, जिसे कमर कटना है और जैसे सफ़ेद पानी जाता है, उसमें ये बहुत अधिक लाभदायक है। सूखे अगस्त के फूलों को एक चम्मच प्रतिदिन दूध के साथ अगर वो सेवन करती हैं तो ऐसा करने से ये बहुत ही अधिक लाभदायक है, बहुत अधिक लाभ होता है और कुछ समय में ही वो बिल्कुल श्वेत परदर को बिल्कुल ठीक कर देता है। और इसका एक और उपाय है, यदि रस, फूलों का रस और पत्तियों का रस 4-5 चम्मच सुबह शाम अगर लेते हैं तो भी ये श्वेत परदर को बिल्कुल ठीक कर देता है। ये रक्त परदर में भी बहुत अधिक लाभदायक है। अगस्त के फूल व पत्तियों को सुखाकर उनका चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच चूर्ण सुबह शाम यदि दूध के साथ या पानी के साथ आप सेवन करते हैं तो रक्त परदर, महिलाओं में रक्त का अधिक जाना या रक्त का बहना, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगस्त का जो ये पेड़ है ये महिलाओं के रोगों में बहुत अधिक उपयोगी है, जैसे योनि में इन्फेक्शन है, घाव है, सूजन है, खुजली है, उसमें ये बहुत अधिक उपयोगी है ये पेड़। अगस्त की पत्तियों को, ये जो पत्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी ये पत्ती, ये जो पत्ती है इसकी अगस्त की, इन पत्तियों को कूटकर रस निकाल लें और इसमें रुई भिगोकर योनि में अगर आप रखते हैं तो ऐसा करने से जो योनि में इन्फेक्शन है, घाव है या सूजन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगस्त, एक और उपाय है इसका, अगस्त व नीम की पत्तियों को उबालकर उसमें थोड़ी फिटकरी मिलाकर यदि आप योनि को धोते हैं तो योनि में इन्फेक्शन हो, घाव हो, सूजन हो, खुजली हो, उसमें एकदम आपको आराम मिलेगा। यह बहुत ही अचूक उपाय है इसका, बहुत ही अधिक इसका उपयोग होता है इन चीज़ों में और आपको बिल्कुल आपका लाभ एकदम मिलेगा। ये आँखों में बहुत उपयोगी है। अगस्त की पत्तियों का रस यदि एक एक बूंद आँखों में डालें तो नेत्र ज्योति बढ़ती है, लालिमा घटती है और दर्द में आराम मिलता है। यदि किसी को माइग्रेन हो, सिर में दर्द हो, उसमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक है इसका पेड़। अगस्त की पत्तियों का रस निकालकर यदि दर्द दाहिनी ओर हो तो बाई नाक में 4-4 बूंद डालें, यदि दर्द बाईं ओर हो तो दाहिनी नाक में 4-4 बूंद डालें। ऐसा करने से जो माइग्रेन का जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगस्त का जो पेड़ है ये कब्ज में बहुत अधिक लाभदायक है। 10 ग्राम अगस्त के फूल व पत्तियों को उबालकर अगर सेवन करते हैं तो ये कब्ज में बहुत ही अधिक लाभदायक है, बहुत अधिक लाभ होता है और कब्ज को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आंतों के घाव, सूजन, इन्फेक्शन या अल्सर, उसमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। अगस्त के फूल व पत्तियों का रस निकालकर 3-4 चम्मच सुबह शाम सेवन करें तो 1 घंटे तक कुछ न खाएं, सेवन करें और 1 घंटे तक कुछ न खाएं। ऐसा करने से
जो आंतों का इन्फेक्शन है, सूजन है, घाव है या अल्सर है वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर फूल ना मिले तो केवल पत्तियों का ही रस 3-4 चम्मच सुबह शाम ले लें, उसमें भी ये बिल्कुल एकदम निरापद उपाय है, एकदम लाभ होता है, बहुत अधिक लाभ होगा उसमें भी। किसी के मल में रक्त, जैसे मल में रक्त आता है या बवासीर है या पेट के अन्य रोगों में भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। इसके फूल और पत्ती, अगर फूल नहीं मिलते हैं तो पत्ती का भी आप रस निकालिए और 3-4 चम्मच अगर सुबह शाम सेवन करते हैं तो मल में जो रक्त आता है या बवासीर है या पेट के अन्य रोग जो हैं उनमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक और आंतों को ये बिल्कुल मजबूत बनाता है, अच्छा बनाता है। ये दोरा या मूर्छा में भी बहुत अधिक लाभदायक है। अगस्त की पत्तियों का रस निकालकर 4-4 बूंद अगर नाक में डालते हैं तो जो दोरे से जो मूर्छा आ जाती है, जो बेहोशी आ जाती है, उसमें एकदम लाभ हो जाता है। ये मिर्गी में भी बहुत अधिक लाभदायक है। अगस्त के पत्तों का रस 4-4 बूंद नाक में डालें तो कुछ समय ऐसा अगर सेवन करते हैं, ऐसा करते हैं तो जो मिर्गी के जो रोगी हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाते हैं। और जिन लोगों को बार बार बुखार आता है वो ठीक नहीं होता है, काफ़ी बार बुखार आ जाता है, दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं, उन्हें बार बार आता रहता है, तो ऐसे में भी अगस्त का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगस्त की 2 पत्तियों, यानी कि इसकी जो ये पत्ती हैं, इनकी 2 पत्तियाँ, यानी कि ये एक पत्ती जिसपे 5-7 पत्तियाँ लग रही हैं, ऐसी 4-5 पत्ती आप लीजिए और 2-3 तुलसी के पत्ते लें और 2-3 काली मिर्च 1 गिलास पानी में पकाएं और जब ये 1/4 रह जाए उसे उतार कर छान कर आप पिएं। ऐसा करने से जो बुखार है या बार बार जो बुखार आता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ज्वर नाशक भी है, यानी कि जहर नाशक, ये जहर नाशक भी है। यदि किसी ने कोई जहर वाली वस्तु खा ली है या कोई पॉइजनिंग हो गई है तो अगस्त के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से वो जहर जो है उतर जाता है और उसमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो ये सभी उपाय जो हैं एकदम निरापद हैं और ऋषियों द्वारा जो बताए गए हैं, प्राचीन काल से उपयोग में लाए गए ये सभी उपाय हैं, आप भी इन्हें यूज़ करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बाजू वाली बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।